हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। आज हम एफटीआर के छत्तीसगढ़ के पहले सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आनंद सर ने आप लोगों को कहा है कि प्रतिदिन ये 8 बजे आपके पास यह क्वेश्चन सीरीज आएगी और ये लगभग 15 से लेकर 25 के बीच क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सबके एग्जाम्पल के साथ ही साथ इसको सॉल्व किया जाए, ठीक। और यह सीरीज थोड़ी सी फास्ट होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, तो ये थोड़ा आप इसे स्लो मोशन में या इसे थोड़ा फास्ट, जैसा भी आपको देखना है, आप रिवीजन के पर्पज से आप इसे देखें और साथ ही साथ आप इसे अपना रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पे साइड में सारे क्वेश्चन आपको दिखते जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन आपको देख रहे हैं आप उसे रीड करें और इधर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखते जाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम। चलिए, पहला, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। 1905 में 5 रियासतों का स्थानांतरण बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में हुआ था, जिसे एक रियासत सोनपुर था। 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण होता है और 1936 में बरार का प्रशासन मध्य प्रांत के साथ मिला कर किया जाने लगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जरा देखते हैं, 1905 की बात करते हैं तो याद रखेंगे 1905 में हम सबको पता है बंगाल डिवीज़न होता है। क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के समय ही मध्य प्रांत एवं बंगाल प्रांत के मध्य कुछ ऐसे रियासतें होती हैं जिनका स्थानांतरण किया जाता है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल प्रोविंस की, यानी कि मध्य प्रांत की, और इधर मैं बात करूं बंगाल प्रांत की, तो बंगाल प्रांत से 5 रियासतों का स्थानांतरण सेंट्रल प्रोविंस में और 5 प्रांतों का स्थानांतरण बंगाल प्रोविंस में किया गया, ठीक। तो ऐसी रियासतें जो कहाँ से मध्य प्रांत से लेकर बंगाल प्रांत गई, ऐसी 5 रियासतें थी। पहला रियासत था आपका सोनपुर, दूसरा रियासत था आपका कालाहांडी, ठीक है, तीसरा रियासत था आपका पटना, चौथा रियासत था आपका वामरा और पांचवा रियासत था आपका रैराखोल, करेक्ट। तो ये जो 5 पार्ट थे वो बंगाल प्रांत में गए और बाकी जो 5 प्रांत थे वो कहाँ पर आते हैं? बंगाल प्रांत से सेंट्रल प्रोविंस में। तो ध्यान रखेंगे वो 5 प्रांत आपको सबको पता है, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, चांगभगारन, उदयपुर। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है 1905 में 5 रियासतों का स्थानांतरण बंगाल प्रांत से प्रांत मध्य प्रांत में हुआ, जिसमें एक रियासत सोनपुर था, बिल्कुल सत्य कथन, जैसा कि मैंने सोनपुर बताया। दूसरा, 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही। 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण किया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक परिवर्तन और प्रशासनिक एकीकरण के लिए कार्य करना जरूरी था, जिसके कारण वहां पे बालो तहसील को मिला के दुर्ग जिले का निर्माण किया गया और 1936 में बरार का प्रशासन मध्य प्रांत के साथ मिलाकर किया जाने लगा। तो ध्यान देंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको सेंट्रल प्रोविंस का छोटा सा एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, करेक्ट, ये वो 5 रियासतें हैं जो कहाँ से आती? बंगाल प्रांत से। यानी कि आज जो छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला क्षेत्र है, आज जो छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ का मुकुट की तरह विराजमान है, वो ये 5 रियासतें थी, जिसमें कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर एंड चांगभगा रियासत थी, ठीक। तो ये जो 5 रियासतें थी वो आज छत्तीसगढ़ के ऊपरी सिरे को, यानी छत्तीसगढ़ के मैप को कंप्लीट करने का कार्य करता है। तो इस तरह इसका आंसर होगा डी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, आज़ादी के पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, बरार कब मध्य प्रांत का हिस्सा बना था? चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो बरार वाला जो क्षेत्र था वह मध्य प्रांत, ये हमारा मध्य प्रांत का मैप है, यहाँ पर ये बरार नामक एक जगह है, ठीक। अब ये जो मेरा बरार था, ध्यान दीजिए, ये जो मेरा बरार था, बरार का अभी तक 1903 से लेकर 1936 तक इसका प्रशासन सेंट्रल प्रोविंस के साथ अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा था, लेकिन मध्य प्रांत की सीमाओं को और विस्तार करने के लिए और विस्तारित करने के लिए इसका प्रशासन 1935 कई जगह 35 दिया, कई जगह 36 दिया है, तो 1936 में इसका प्रशासन सेंट्रल प्रोविंस के साथ किया जाने लगा। इसीलिए आज़ादी के पहले अगर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, तो बोला जाता था मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, दैट मीन्स बिफोर द इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ वॉज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और देख लेते हैं, 1936 के बाद मैं बात करता हूं 1937 की, क्योंकि और डेट्स दिए हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन हम गेट करते हैं। तो 1937 में आपको एक इवेंट याद रखना है, 1937 में डोंडी लोहारा किसान आंदोलन बालोद में किसके? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी के नेतृत्व में होता है। 1938 का एक डेट दिया हुआ, आप सबको पता है 1938 में क्या हुआ था, 1938 में छुई खदान जंगल सत्याग्रह होता है, और 1939 में क्या होता है आप सबको पता है, राजनांदगांव के बद्रा टोला नामक ग्राम जो कि डोंगरगढ़ के आसपास है, वहां पर हमारा बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह भी देखने को मिला, जिसमें रामधीन गोड़ की गोली से हत्या हो जाती है। इस तरह ये जो चारों डेट्स हैं इस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है।
नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 में दिया गया, जो शुरुआत में मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था, बिल्कुल सत्य है। तत्कालीन समय में छत्तीसगढ़ के प्रशासन के अंतर्गत प्रमुखतः कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो आप सबको पता है इसका आंसर बी होगा। जिस तरह से 1861 में जब सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया जा रहा था, तब यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर नामक क्या किया गया था, जिला का निर्माण किया गया था। ठीक, तो याद रखेंगे रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का निर्माण किया गया। और जब 1905 का टाइम आता है तो यही संबलपुर ड्यूरिंग द स्थानांतरण, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उस समय जो रियासतों का स्थानांतरण किया गया, वहां पे संबलपुर नामक जो जिला था, जो कि उसे मध्य प्रांत था, वो बंगाल प्रांत में चला जाता है, क्योंकि वह उड़ीसा भाषी था। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 1905 में मध्य प्रांत में स्थानांतरित होकर बंगाल प्रांत में शामिल होने वाले रियासतों में से क्या शामिल है? जैसे लाइक सोनपुर, आंसर होगा ए सोनपुर, क्योंकि बाकी जो है बी डी एन सी वो आपका बंगाल प्रांत से कहां पर आता है, छत्तीसगढ़ प्रांत में, और छत्तीसगढ़ प्रांत का जो उत्तरी वाला भाग है वहां पर छत्तीसगढ़ के साम्राज्य का या छत्तीसगढ़ के सीमाओं का विस्तार करता है। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के 3 भाग, उत्तरी भाग, मध्य भाग एवं दक्षिणी भाग, अतः निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिकल है, थोड़ा समझिएगा। छत्तीसगढ़ के 3 भाग हैं, आप सबको पता है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग पहाड़ी क्षेत्र, मध्य भाग मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के मानचित्र का ऊपरी भाग 1905 के पहले छोटा नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था, बिल्कुल। तो जो 1905 के पहले का जो क्षेत्र था, ठीक, 1905 के पहले जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर वाला क्षेत्र था, यह बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर टेरिटरी यानी छोटा नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये क्या होता था, गवर्न होता था। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का मध्य भाग रतनपुर राज्य का हिस्सा था, जो दक्षिण में सिहावा पर्वत से लेकर उत्तर में दांडोरा तक विस्तृत था, बिल्कुल सत्य कथन है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब कलचुरी शासन यहाँ पे 700 से लेकर 700 साढ़े 700 वर्षों तक यहाँ पे शासन करता है, तब यहाँ पे रतनपुर उनकी क्या होती है, राजधानी होती है। इस समय यहाँ पर रतनपुर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ के छत्तीसगढ़ के आपके प्रशासन में। और इस समय रतनपुर छत्तीसगढ़, इस राज्य की संज्ञा जो दी जाती थी वह रतनपुर छत्तीसगढ़ बोला जाता था। इसलिए बोला जाता था क्योंकि रतनपुर यहाँ का क्या था, कैपिटल था, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ इसलिए क्योंकि शिवनाथ के नॉर्थ में आपके 18 गढ़ और शिवनाथ के दक्षिण में 18 गढ़ होते थे। बाद में ये रतनपुर नामक जो शब्द था, इसकी प्रचलन, ये प्रचलन से बाहर होता गया और इसका नाम छत्तीसगढ़ होता चला गया। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो रतनपुर का साम्राज्य था, यहाँ पर धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से लेकर सरगुजा, याद रखेंगे सरगुजा, ठीक, तो सरगुजा का जो प्राचीन नाम है वो है दांडोरा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसलिए स्टेटमेंट सही होगा, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का दक्षिणी भाग दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था, जो प्राचीन काल में राजा दंड का साम्राज्य था, बिल्कुल सही है। राजा दंड की स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, इक्ष्वाकी कुल से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जिसमें से हर चीज का एक न एक थ्योरी आपको कनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रांत का निर्माण किन किन क्षेत्रों को मिलाकर होता है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 1861 के आसपास। ठीक, 1861 में आप सबको पता है कि 1861 में क्या होता है, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया जाता है। ठीक, आप सबको ये भी नॉलेज है कि सेंट्रल प्रोविंस का जो गठन किया गया था वो चार्ल्स सी इलियट के द्वारा जो प्रपोजल बनाया गया था उसमें किया गया था। इन्होंने 18 फेब 1861 को, कब, 18 फेब 1861 को एक ड्राफ्ट बनाया गया, और ड्राफ्ट को गवर्नर जनरल के पास भेजकर वो सीधा कहां भेजा गया, लंदन भेजा गया, और वहां से वो चीज़ परमिट होकर आता है कि सेंट्रल प्रोविंस का क्या किया जाए, एक गठन किया जाए, ताकि यहां पे 3 से 4 इनके उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यहां पे सोल्जर्स डिप्लॉयमेंट था, यानी कि सैनिकों की व्यवस्था करना था। दूसरा, यहां पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को बढ़ाना था। ठीक, और सेंट्रल प्रोविंस इसलिए भी था क्योंकि उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में औद्योगिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्थात औद्योगिक विकास के लिए इनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी। और जो सेंट्रल प्रोविंस वाला जो भाग है, यहां पे काली मिट्टी के साथ ही साथ ये पूरा दक्कन चट्टानों से भरा हुआ है, जो कि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए वो अपनी सीमाओं के अंदर उसको रखना चाहते थे। इसलिए भी सेंट्रल प्रोविंस को बनाने के पीछे आपके चार्ल्स इलियट की काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं थी। ठीक, तब सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया, और सेंट्रल प्रोविंस के गठन के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया। प्रपोजल में उन्होंने बोला पहला नागपुर वाला क्षेत्र, नागपुर वाले क्षेत्र के बाद उन्होंने बोला दूसरा सागर वाला क्षेत्र, सागर वाले के बाद उन्होंने बोला एक नरबुड़ा वाला क्षेत्र, और नरबुड़ा के बाद उन्होंने उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ वाले को ज्वाइंट रूप से प्रमोट करने की बात की थी। अर्थात इन चारों क्षेत्रों को मिला के हम क्या बना लेंगे, सेंट्रल प्रोविंस का गठन करेंगे। ऐसा उन्होंने 18 फरवरी 1861 को एक प्रपोजल दिया था, जो एक्सेप्ट हो जाता है 2 नवंबर 1861 को। यह प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और सेंट्रल प्रोविंस का गठन 2 नवंबर 1861 का हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ था तब कितने संभाग इसमें स्थित थे, तो ध्यान देंगे इसमें कुल 4 संभाग, नागपुर, सागर,
नरबूड़ा, उड़ीसा प्लस सीजी वाला भाग था, और यहां पर कितने जिले थे, टोटल कितने जिले थे, 18 जिले, 5-5-5 प्लस 3 जिले उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वही 3 जिले जो मैंने बाद में डिस्कस किया है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रांत का निर्माण किन किन क्षेत्रों को मिला हुआ, तो आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सागर, नरबुड़ा और नागपुर। याद रखेंगे मध्य प्रांत का जो हेड ऑफिस था, जो मुख्यालय था, वो नागपुर था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए, छत्तीसगढ़ का मानचित्र समुद्री घोड़े जैसा दिखाई देता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें मध्य प्रांत में सम्मिलित हुई थी। चलिए, पहला पॉइंट तो ठीक है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र जो है समुद्री घोड़े की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1905 में जब ये प्रशासनिक परिवर्तन हुआ, ठीक, जो प्रशासनिक परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का जो मैप हुआ वह आपके समुद्री घोड़े की तरह दिखाई देने लगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें मध्य प्रांत में सम्मिलित हुई थी, बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जब आज़ादी मिलती है, आज़ादी के पश्चात यहाँ की जितनी रियासतें होती है उनको सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत गवर्न किया जाता है, और गवर्न करने के बाद 1956 में एक मध्य प्रदेश राज्य की क्या की जाती है, निर्माण की जाती है। तो यहाँ पर देने योग्य बातें ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 सत्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देशी कुल क्षेत्रफल का 2.11%, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यह है 4.11%। छत्तीसगढ़ के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ 10वां बड़ा राज्य है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। जनसंख्या के आधार पर देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है, इसका आंसर होगा 16। और छत्तीसगढ़ में राज्य की पूर्व से पश्चिम की सीमा की लंबाई जो होगी 435 किलोमीटर, ये बिल्कुल सत्य है। और याद, अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो याद रखेंगे 700 किलोमीटर। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 4 बिल्कुल सत्य है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के बारे में, इन्होंने बोला तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, तो आप सभी को पता है यह 28 नवंबर कब, ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। इसके तहत कुछ फैक्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे हम समझ लेते हैं कि 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग संबंधित विधेयक, आयोग संबंधित विधेयक क्या होता है, पारित होता है। दूसरा ध्यान रखेंगे 11 जुलाई 2008 को यह जो विधेयक था, ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बनाने संबंधी जो प्रावधान थे वह राजपत्र पे प्रकाशित होते हैं, यानी कि राजपत्र पे प्रकाशित होने की तिथि कौन सी है, 11 जुलाई 2008। विधेयक पास होने की तिथि कौन सी है, 28 नवंबर 2007। और 14 अगस्त 2008 को इसका कार्य प्रारंभ होता है, जिसके सचिव यानी प्रथम सचिव होते हैं पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी इसके पहले सचिव होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाएगा, 28 नवंबर को मनाया जाएगा, 28 नवंबर 2007 को विधेयक प्रस्तावित, विधेयक पारित होता है, 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रकाशित होता है, 14 अगस्त 2008 को इसका कार्य प्रारंभ होता है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये दैट मीन्स 9वां क्वेश्चन, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर होगा बी, 28 नवंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हमें 14 अगस्त 2008 लेना होगा। कौन सा लेना होगा, 14 अगस्त 2008, क्योंकि यहाँ पर बाकी ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए 14 अगस्त 2008 लेना होगा, करेक्ट। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो राजभाषा दिवस है ये तो 28 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन राजभाषा आयोग जो है वह संस्कृति विभाग के अंतर्गत, किस विभाग के अंतर्गत, संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ठीक। और इस संस्कृति विभाग में राजभाषा आयोग के तहत माई कोठी योजना एवं बीजहा कार्यक्रम, ठीक, माई कोठी योजना एवं बीजहा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे गुरतुर गोट के बारे में, गुरतुर गोट जो कि छत्तीसगढ़ की एक वेब पत्रिका है, ठीक, जिसमें हमारे संजीव तिवारी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ है और उनके वो संपादक है, तो गुरतुर गोट के जो संपादक है वो संजीव तिवारी जी हैं, ठीक, और वह एक वेब पत्रिका। तो हमने यहाँ पे 3-4 चीज़ें देखी, राजभाषा दिवस के बारे में, कब विधेयक पारित हुआ, कब राजपत्र में हुआ और कब इसमें कार्य प्रारंभ होता है, माई कोठी योजना, बिजहा कार्यक्रम और साथ ही साथ गुरतुर गोट जो कि एक वेब पत्रिका है। इसके साथ आपके लिए एक होमवर्क है कि वर्तमान में राजभाषा आयोग का सम्मेलन किस जिले में हुआ है और किस महीने में हुआ है और कौन से नंबर का है, ये आप बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पशु को कब स्वीकृति मिली, ठीक है, तो राजकीय पशु को कब स्वीकृति मिली, इसके तहत जो
ऑप्शंस दिए हुए, हम उस पर थोड़ा सा रुक करें। इसमें बोला गया 1 नवंबर 2000, 4 सितंबर 2001, 28 नवंबर 2000 और 4 जुलाई 2001। तो आंसर होगा 4 जुलाई 2001। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ जो राजकीय पशु है, ठीक, तो जो हमारा राजकीय पशु है वह है जंगली भैंसा, वह है जंगली भैंसा। उसका साइंटिफिक नेम है बुबालस बुबालिस, ठीक। तो जंगली भैंसा का साइंटिफिक नेम है बुबालस बुबालिस। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यह जो राजकीय भैंसा है इसमें एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं रिंडर पेस्ट, ठीक, रिंडर पेस्ट। अब पॉइंट ये आता है कि इसे राजकीय पशु की उपाधि या राजकीय पशु क्यों माना गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाले, छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाला जो जंगली पशु है, सॉरी जंगली जो वन भैंसा है, वो काफ़ी शुद्ध नस्ल का होता है, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित मैं एक तथ्य यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। हम सबको पता है अंजोरा, अंजोरा कहाँ पर है, दुर्ग में। अंजोरा दुर्ग में कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में की गई, ठीक है। कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में की गई गोकुलम नामक स्थान पर, ठीक। तो गोकुलम नामक स्थान पर अंजोरा में कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में की गई। और इसी कामधेनु विश्वविद्यालय में दो संस्थान हम देख सकते हैं। पहला संस्थान है राष्ट्रीय वन भैंसा वीर्य संरक्षण केंद्र की स्थापना, ठीक। दूसरा हम देखेंगे पंचगव्य अनुसंधान केंद्र। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जो वन भैंसा है उसमें नर वन भैंसे ज़्यादा हैं और मादा वन भैंसे कम हैं। तो वर्तमान में जो नर वन भैंसे हैं उनकी फर्टिलिटी कुछ डाउन हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा कामधेनु विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय वन भैंसा वीर्य संरक्षण केंद्र खोला गया है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे पंचगव्य अनुसंधान केंद्र भी इसी अंजोरा में खोला गया है। तो इस तरह से हमने राजकीय पशु के बारे में बात किया 4 जुलाई 2001 को। अब इसी डेट को और भी दो तीन चीज़ें हैं, इसको भी ध्यान रख लेते हैं। 4 जुलाई 2001 को हमने पशु को घोषित किया और 4 जुलाई 2001 को ही हमने पक्षी को भी घोषित किया था, और पक्षी के साथ ही साथ हमने वृक्ष भी घोषित किया, और वृक्ष के साथ साथ हमने हर्बल इस्टेट छत्तीसगढ़ को हर्बल इस्टेट कब माना गया, कब से घोषित किया गया, तो ध्यान रखेंगे 4 जुलाई 2001। तो आप सबको पता है कि 4 जुलाई 2001 को राजकीय पक्षी, जिसका नाम क्या है, पहाड़ी मैना, ठीक, या उसे हिल मैना बोला है, या ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस बोलेंगे। अगर मैं वृक्ष की बात करूं तो वह है साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष है, साल वृक्ष, जिसमें एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं साल बोरर। ध्यान रखेंगे साल बोरर नामक जो बीमारी होती है वो हमारे जो राजकीय वृक्ष है उसमें होती है, और हर्बल इस्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। में से कौन सा वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, तो आप ध्यान रखेंगे आंसर होगा सी साल। छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की स्मृति में यह दिवस मनाने का निर्णय 2008 में किया गया था, इसलिए 25 दिसंबर को हमारे यहाँ सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक। इसके साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, तो दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पर राज्य गीत के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए। तो राज्य गीत जो है वह क्या है, हमारा राज्य गीत जो है अरपा पैरी के धार। ध्यान रखेंगे अरपा पैरी के धार कब से लागू हुआ है, 18 नवंबर 2019 से, करेक्ट। उसके इसमें कितनी नदियों का उल्लेख है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 4 नदी अरपा पैरी महानदी इंद्रावती, और कितने जिलों का उल्लेख है, तो ध्यान रखेंगे रायगढ़ सरगुजा बिलासपुर रायपुर दुर्ग बस्तर और राजनांदगांव, ये वो सारे जिले हैं जिनकी स्थापना 1973 तक हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि 1973 तक जिन जिन जिलों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में हो चुकी थी तत्कालीन समय में, उनका उल्लेख इसमें दिखता है, ठीक। इसके जो लेखक थे वो स्वर्गीय नरेंद्र वर्मा जी थे, एवं जो गायक थे वो स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी एवं साथ ही साथ ममता चंद्राकर जी इनकी गायिका थी। अरपा पैरी के धार 18 नवंबर 2019 से। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जो राजकीय खेल है वह है हमारा हॉकी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे जो हमारा राजकीय प्रतीक वाक्य, कौन सा राज्य प्रतीक वाक्य जो है वह है विश्वसनीय छत्तीसगढ़, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा इसे गड़बो नवा छत्तीसगढ़ करने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक राजपत्र में यह प्रकाशित नहीं हुआ है। चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14 नंबर,
छत्तीसगढ़ गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, सितंबर 1998 में राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए एक्ट वापस किया गया था, किंतु बाद में 25 अगस्त 2000 को के आर नारायण जी के द्वारा इस पर सिग्नेचर कर दिया जाता है और इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 44 वर्षों की मातृत्व राज्य से अलग होकर एक नवीन राज्य के रूप में आज सुशोभित हो रहा है। करेक्ट। अब इसके बाद इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो याद रखेंगे कि जो 84 संविधान संशोधन है, जो 84 संविधान संशोधन है उसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं होता। 84 संविधान संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि हमें अपने राज्य की सीमा एवं राज्य के नामों को अनुसूची में उल्लेखित करवाना था, इसलिए 84 संविधान संशोधन को भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 15वां नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ इंफॉर्मेशन हम यहां पर देख लेते हैं, डेट से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं। चलिए, यहां पर 25 जुलाई 31 ये सारी चीजें, ठीक है, तो याद रखेंगे 25 जुलाई के बाद ध्यान रखेंगे आप 31 जुलाई के बाद ध्यान रखेंगे 3 अगस्त के बाद आप ध्यान रखेंगे 9 अगस्त के बाद ध्यान रखेंगे आप 25 अगस्त के बारे में, ठीक है, 25 अगस्त 2000, ये सारे 2000 में। तो ध्यान रखेंगे 25 जुलाई को जो ये मेरा मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम था, 25 जुलाई को लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, 31 जुलाई को यह लोकसभा में पारित होता है, 3 अगस्त को यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, 9 अगस्त को यह राज्यसभा से पारित होता है, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे 25 अगस्त 2000 को इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम था के आर नारायण जी, उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है कि के आर नारायण जी का हस्ताक्षर कब होता है, तो ध्यान रखेंगे 25 अगस्त 2000 को, और ये कौन से 5 ईयर प्लान में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है, तो ध्यान रखेंगे 1997 से लेकर 2002 के मध्य इसका निर्माण 2000 को हुआ, यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पृथक अस्तित्व में आता है, इसलिए इसका निर्माण हम 9वें 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना को मानते हैं। अब आइए हम इसमें अगले से क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया था? देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सीधा 25 अगस्त 2000, यानी कि क्वेश्चन का आंसर है डी। फिर हम लोग रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, छत्तीसगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उचित कूट का चुनाव कीजिए। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है, ठीक है, चलो सोचते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता, ये सत्य है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है, ये भी सत्य है। तो याद रखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को ना लेके छत्तीसगढ़ के जसपुर सामरी पार्ट को बोलता तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता, बट ये अभी गलत है, तो ऑप्शन आएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसमें जो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य का पठार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है, जिसमें अभी 7 जिले प्लस मोयला मानपुर वाला क्षेत्र है। तीसरा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है, सही बात, ये हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, और पूर्वी बघेलखंड का लगभग 47.3% छत्तीसगढ़ की सीमा के अंतर्गत आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है वो 16.16%, यानी कि 21863 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक हुई थी, तो ध्यान रखेंगे जो प्रथम बैठक होती है वह होती है 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2000 के मध्य। कब? 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2000 के मध्य प्रथम बैठक होती है, और यह प्रथम बैठक जो थी छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली की, यह हुई थी राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में। ध्यान रखेंगे पहली जो बैठक हुई वह हुई थी 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2000 के मध्य, छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक राजकुमार कॉलेज के, आपके किस में?
जसपुर हाल में। अच्छा, राजकुमार कॉलेज के बारे में दो फैक्ट बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब गांधी जी प्रथम आगमन में आते हैं, जब गांधी जी का आगमन प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में होता है नियर अबाउट 1920 के आसपास, आप सबको पता है, तब इन्होंने राजकुमार कॉलेज में भाषण दिया था। तो राजकुमार कॉलेज में जब उस समय उन्होंने भाषण दिया था, तो उसमें उनका प्रमुख भाषण का जो उद्देश्य था वह था लोगों को शराबबंदी करवाना। ठीक, दूसरे बार जब वो उनका द्वितीय आगमन होता है नियर अबाउट आप बोल सकते हैं 1933 में उनका द्वितीय आगमन होता है। 1933 में द्वितीय आगमन जो होता है वह होता है 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के मध्य, तब भी वहां पर वो राजकुमार कॉलेज में जाते हैं भाषण देने के लिए। जब वो राजकुमार कॉलेज में भाषण देने जाते हैं तो उस समय उनका जो भाषण का उद्देश्य होता है वो चेंज हो जाता है, और उस समय जो होता है वो हरिजन उद्धार एवं अछूतोद्धार के लिए वहां पर उनका भाषण केंद्रित होता है। तो इस तरह से दोनों बार राजकुमार कॉलेज में गांधी जी गए, एक बार उनका उद्देश्य अलग और एक बार उनका उद्देश्य अलग था भाषण का, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, अच्छा इसमें और कंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजें और फैक्ट जान लेंगे आप। 12 नवंबर 2000 को प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और पहला विस्तार जो किया गया था वो 23 दिसंबर 2000 को विस्तार किया गया था। यानी कि हम लोगों ने तीन चीजें देखी, प्रथम मंत्रिमंडल का गठन, प्रथम बैठक और प्रथम विस्तार। ठीक, तो ये सारी चीज़ें 2000 में है, ये तो क्लियर हो जाता है। एक गठन नवंबर में है, बैठक आपका दिसंबर में है, विस्तार भी 23 दिसंबर से होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का, छत्तीसगढ़ के बारे में सत्य कथन है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255,45,198 बिल्कुल सत्य है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 22.61 ये भी सत्य है। छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष फाइकस बेंगालिसिस है, बरगद नहीं है, सोरिया रोबस्टा, ये ऑप्शन गलत होगा। छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य सत्य एवं पारदर्शिता बिल्कुल सत्य, सत्य एवं पारदर्शिता इसका ध्येय वाक्य, और प्रतीक वाक्य जो अभी वर्तमान में है वह विश्वसनीय छत्तीसगढ़ है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ का जो मूल मंत्र है किसका, छत्तीसगढ़ का जो मूल मंत्र है वह है आपका सादगी के साथ जनसेवा। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आंसर डी 1, 2 और 4 करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है, अशोक स्तंभ है बिल्कुल है, धान की बालियां हैं, सत्यों में जेते हैं, बस साल वृक्ष नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां हैं, तो ये सबको पता है, आंसर होगा ए धान की बालियां। फिर सही जोड़ी मिलाइए, तो ये चीज आप लोग को पता होगा और ये नहीं पता है तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अच्छा, मेंस में भी एक क्वेश्चन इस प्रतीक चिन्ह से बनता है, आप नोट कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के दर्शन को समझाइए, एक्सप्लेन द फिलोसफी बियॉन्ड द स्टेट सिंबल ऑफ छत्तीसगढ़ करेक्ट। चलिए, तो इसका ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य चिन्ह यानी स्टेट सिंबल के बारे में सत्य कथन है, देखते हैं। पहला, तीन लहराती रेखाएं तिरंगे के रंग के हैं, बिल्कुल सत्य है। ठीक, दूसरा, वज्र जो प्रतीक है विद्युत में अग्रणी राज्य का है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, वज्र का जो प्रतीक है याद रखें काले रंग का है। फिर याद रखते हैं तीसरे नंबर में 36 किलो वाली ये 36 फोर्स जो दी है, संपदा समृद्धि एवं नैसर्गिक सुंदरता, 36 फोर्स ऑफ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। कलर की बात करें तो ये हरे कलर का है। अशोक स्तंभ का रंग लाल है जो कि सत्य, निष्ठा एवं पारदर्शिता का प्रतीक है, ये भी सत्य है। यानी कि इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य क्या है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष सोरिया रोबस्टा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े के समान होती है, यस हमने देखा कि 1905 में यहाँ पे कुछ रियासतों का आगमन होता है जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा को बनाते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, बुबालस बुबालिस है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो राजकीय पशु है वह हमारा बुबालस बुबालिस है यानी कि वन भैंसा है, इस वन भैंसा को अरना कहा जाता है और मादा वन भैंसे को हम अरनी भी कहते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी ग्रैकुलर रिलीजियस पेनसुलारिस है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अतः इसका जो आंसर होगा वह होगा सभी सही है प्रश्न में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन किया और मैं आशा करता हूँ कि 25 क्वेश्चन के साथ ही साथ आपके बहुत सारे ऑप्शंस और थ्योरी आपको क्लियर हो गए होंगे, और किसी भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, ये इस तरह के एक शॉर्ट सीरीज चलाएंगे और उस तरह से वो सारी चीज़ों को हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम चट्टान पे बात करेंगे, चट्टान के बाद हम फिजिकल डिवीजन पे बात करेंगे, फिजिकल डिवीजन हम रिवर में बात करेंगे, और रिवर के बाद इस तरह से एक दो टॉपिक करते करते हम 8 से 10 वीडियो छत्तीसगढ़ का लेके आएंगे, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से तो 25 क्वेश्चन होंगे बट अप्रत्यक्ष रूप से वही क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।